तो साथियों, आज हम मोनोटोनिक फंक्शन पे कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम आप देखिए, ऐसा कुछ है, इफ एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इनइक्वालिटी वन माइनस एफ एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन माइनस फाइव एक्स इज नॉट सेटिस्फाइड। आपके सामने चार ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट ये, बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्लिक कर जाए कि ये प्रॉब्लम और जो फंक्शन दिया गया दोनों लिंक्ड कैसे हैं दूसरे से, राइट। तो देखो यहाँ पे आप अगर गौर, एक्स की प्लेस पे अगर आप एफ एक्स पुट कर देते हैं तो आपको यही मिलेगा, राइट। एक्स की प्लेस पे अगर बच्चे आप एफ एक्स पुट कर देते हैं तो आपको यही मिल जाएगा, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपका है ये कुछ और नहीं, ये बेसिकली एफ ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, राइट। ये बच्चे एफ ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स जो भी है एफ ऑफ वन माइनस फाइव एक्स से बड़ा है, ये एफ ऑफ वन माइनस फाइव एक्स से बड़ा है, राइट। अब आप गौर करें, ये एक फंक्शनल इनइक्वालिटी है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ऐसी कोई इनइक्वालिटी लिखी हुई है एफ ए जो भी है एफ बी से बड़ा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए? बिल्कुल आप कह सकते हैं, अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। बट अगर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी ऐसे केस में चेंज कर जाएगी, राइट। भाई अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जितना बड़ा इनपुट आप देंगे आउटपुट उतना छोटा हो जाएगा, तो आपको इस बात का ख्याल रखना। इसका मतलब नाउ यू हैव टू चेक नेचर ऑफ फंक्शन। तो बच्चे फंक्शन का नेचर देख लेते हैं। एफ एक्स जो भी है वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ प्राइम एक्स आपका हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि भैया इसका डेरिवेटिव तो हमेशा निगेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव साथी कैसा, हमेशा निगेटिव है, यानी ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यानी अगर मैं फंक्शन के इनपुट्स को कंपेयर करूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी एफ एक्स इज लेस देन वन माइनस फाइव एक्स। अब आप मंजिल पे बहुत ही प्यार से पहुंच पाएंगे। तो फटाफट इस वाले केस को हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स बच्चे किससे छोटा आ गया है? वन माइनस फाइव एक्स से। एफ एक्स आपका क्या था? एफ एक्स था वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, और ये छोटा आ रहा है वन माइनस फाइव एक्स से, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से बच्चे आएगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, बाकी तो सब कट ही गए, वन वन भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये जीरो से बड़ा आ जाएगा, राइट। ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, ये जीरो से बड़ा आ रहा है। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा केस इसको सेटिस्फाई करता। वैसे सवाल में क्या पूछा हुआ था? इज नॉट सेटिस्फाइड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो आप पहले देख लीजिए कौन कौन सा केस सेटिस्फाई करता, ऑप्शन पे बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। तो बच्चे माइनस टू जीरो एंड प्लस टू, साइन स्कीम बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि भाई आपको पॉजिटिव वाला जोन लेना है, यानी टू से इन्फिनिटी आपका राइट वे होगा, माइनस टू से जीरो भी सही होगा, बट जीरो से टू सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट, क्योंकि इसमें ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। तो दिस विल बी राइट आंसर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इज नॉट सेटिस्फाइड क्वेश्चन में पूछ रखा है। कई बार एग्जाम में ना पढ़ने की वजह से भी ये चीज गलत हो जाती है, तो आप सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आपके पास जी एक्स एक फंक्शन लिखा हुआ है, जी एक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ टू एफ लाइक दिस, काफी कॉम्प्लिकेटेड, टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एफ सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यू माइनस थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इट इज गिवन टू यू दैट एफ डबल प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स इन दिस प्रॉब्लम इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू दैट फंक्शन इज कॉनकेव अप, एफ डबल प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। आप ये बात तो तुरंत निकाल सकते हैं, अगर एफ डबल प्राइम एक्स जीरो से बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि एफ प्राइम एक्स जो भी है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप ये बात कह सकते हैं कि एफ प्राइम एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, एफ प्राइम एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे ये लिखा हुआ था एफ डबल प्राइम इज पॉजिटिव, राइट, इस वजह। अब बच्चे यहां पे लिखा हुआ देन जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, तो
अब देखो ये पूरे सिनेरियो को पता, सारा फंक्शन डिफरेंशिएबल वगैरह है, आप जी एक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जी प्राइम एक्स इसको डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, तो बच्चे यहां से 2f' 2x³ - 3x² और यहां पे बच्चे आएगा 6x² - 6x। अगले वाले को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं प्लस f'(6x²) - 4x³ - 3, और अंदर वाले का डेरिवेटिव जो होगा बच्चे ये होगा 12x - 12x² ऐसा, राइट। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए आप यहां से कुछ कॉमन वगैरह निकाल सकते हैं, तो फटाफट कॉमन निकालते हैं भाई। देखो बच्चा अगर ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर दें 12x² - 12x बन जाएगा, तो यानी अगर मैं माइनस यहां से कॉमन निकाल लूं 12x² - 12x बाहर आ जाएगा, राइट। तो g प्राइम x आप लिख पाएंगे 12x² - x, बाकी जो बचा हुआ उसको लिख लेते हैं f प्राइम 2x³ - 3x² - f' (6x²) - 4x³ - 3, राइट। ये बच्चे ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा अब क्योंकि g को इंक्रीजिंग बोला गया है, तो आप g प्राइम x को क्या करेंगे, पॉजिटिव, g प्राइम x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो भी एप्रोप्रिएट आंसर होगा हम चूज कर लेंगे यहां पे। अच्छा इक्वालिटी कहां होल्ड कर सकती है, इक्वालिटी में होल्ड एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप जीरो हो सकता है। आप देख सकते हैं एक्स क्यूब एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन एक्स बराबर जीरो पे डेरिवेटिव जीरो हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में डेरिवेटिव केवल पॉजिटिव होगा, डेरिवेटिव जीरो के बराबर भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है, राइट। तो अब यहां पे आप इसको पॉजिटिव कर रहे हैं, तो यहां मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहला केस यही है। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो फटाफट मैं पहले वाले को पॉजिटिव कर दूं। चलिए भाई, तो बच्चे फटाफट फर्स्ट वाले को मैं पॉजिटिव करता हूं, x² - x, सपोज ये जीरो से बड़ा है, एंड तो आपका ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप इस पूरी क्वांटिटी को जीरो से बड़ा करेंगे, इसका मतलब जो पहला वाला डेरिवेटिव है दूसरे वाले डेरिवेटिव से होना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इससे बड़ा है तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी दिस इंटरसेक्शन विद ये इनइक्वालिटी आपको और सॉल्व करनी पड़ेगी। ये इनइक्वालिटी आपको और सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। चलिए भाई इसको और सॉल्व करके देखते हैं, तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्स एक्स माइनस वन आ गया, तो नंबर लाइन वगैरह बना लेते हैं। जीरो एंड वन बच्चे क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस, राइट। इसका इंटरसेक्शन तुम्हें लेना है दूसरे वाले केस के साथ, तो यहां पे क्या आ रहा है, 6x³ - 9x² + 3 > 0। 3 वगैरह आप कॉमन निकाल लो, तो यहां से आ जाएगा 2x³ - 3x² + 1 > 0। तो देखो बच्चे बहुत इजली फैक्टराइज हो रहा है, ये आप गौर करें बहुत ही इजली फैक्टराइज हो रहा है। देखो x = 1 उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। x = 1 बच्चे क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं x - 1 इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, तो आप x - 1 को 3 दफा लिख लीजिए, मतलब 3 बार लिख लीजिए, x - 1 x - 1, राइट। बस अब आप मंजिल पे पहुंचने वाले हो। देखो आपको चाहिए 2x³, तो यहां पे मैंने 2x² से मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद यहां पे आपको -2x² मिल गया, चाहिए -3x², तो -x लिख दिया, +x आया, x तो चाहिए नहीं, तो यहां पे मैंने एक -1 लगा दिया, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से बन गया x - 1, और दूसरा 2x² - x - 1, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर लीजिए, यानी बच्चे x - 1 यहां पे आएगा 2x² - 2x। जस्ट 1 मिनट,
टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन, और बच्चे ये जीरो से बड़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैं इसे कर रहा हूं, राइट। तो आप इसे फैक्टराइज करके लाल लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, राइट, टू एक्स प्लस वन दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो वेविकर मेथड आप यूज करिए। तो बच्चे माइनस वन बाई टू और वन ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, प्लस कोई साइन चेंज होगा नहीं, माइनस। अच्छा, दोनों से तुम्हें कॉमन ही लेके चलना, तो यहां पे क्या आ रहा है, आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो माइनस वन बाई टू ऑनवर्ड ही आप चलेंगे। तो देखिए भाई क्या क्या ऑप्शन बन सकता है, इसमें था जीरो से छोटा वन से बड़ा, तो वन से इन्फिनिटी में तो इसका भी मामला चल है, लेकिन जीरो से छोटा कहां रुकना पड़ेगा, माइनस वन बाई टू में, तो माइनस वन टू से और यूनियन वन से इन्फिनिटी, ये बात तो एक सही हो गई है, खैर ये ऑप्शन में टकरा भी गया। अच्छा, दूसरा केस हमें आपका ये असाइनमेंट है, दूसरा केस आप खुद बनाएंगे। अगर ये निगेटिव हो गया तो आप इसको भी क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। पहले केस में आपने क्या किया था, इसको पॉजिटिव था तो उसको भी पॉजिटिव किया, तभी वो जीरो से बड़ा हो पाएगा। दूसरे केस में अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होना चाहिए, यानी ये इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स इंक्रीजिंग अगर ये इससे बड़ा है तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी इससे बड़ी होनी चाहिए। यहां पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला। यहां पे आपका राइट आंसर बच्चे यही वाला हो जाएगा। चलिए, तो इसमें होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो, किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछने, चलो तो इसमें इतने ही रखते हैं, थैंक यू।